हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। इसी के साथ शुरू करता हूँ आज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फार्मूला है, आज प्रोनाउन का चेंज है, इसका एक हमारा फार्मूला, इसका नाम है सन। सन ये बहुत इजी फार्मूला है, इसके माध्यम से हम बनाते हैं किस प्रकार से प्रोनाउन का चेंजेस करते हैं। आइए देखते हैं सन, ये फार्मूला है, इसको समझने के क्या है। देखिए ये फार्मूला जो है, सन 123 यानी 123। सन का मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, सन 123 इसे कहते हैं, देखिए ये ऊपर से लिखते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं सब्जेक्ट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का होता है ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड पार्ट का होता है सब्जेक्ट, और ये होता है रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, हमें तीन ही चीजें देखनी होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसका है सब्जेक्ट। ठीक है, तो शुरू करता हूं, 123 है क्या। देखिए जो सन 123 का मतलब यह होता है, इसका मतलब यह है, यदि रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, अगर ये सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, अगर ये थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब होता है नो चेंज, इसका मतलब होता है नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। ये है he said to me you won a prize। तो he said to me हम बदलेंगे he told me, क्या बदलेंगे, he told me, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कंजक्शन को हटा के दैट लगाते हैं, he told me। अब you है, हमने देखा you सेकेंड पर्सन होता है, तो you जब सेकेंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, me यानी I won a prize। इस प्रकार से ये बनता है। फिर दूसरा हम बनाते हैं, तुरंत चेंज करते हैं, he said to her you won a prize, हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखने हैं तो हमारा ये इजी हो जाता है। तो He said to her, हमने यू को देखा, यू सेकंड पर्सन है, और लिखा है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, तो यू को हर के अनुसार, यहां पर हर लड़की है, तो हम क्या करेंगे, he told her कंजक्शन दैट लिख दिया यहां पर, he told her कंजक्शन, और यू है यू को इसके अनुसार, तो सी, और सी के साथ वही सी है Won a prize। काफी इजी है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आती है अगर हमें इसके रूल्स नहीं पता है। तो इस सन फार्मूले के अनुसार हम इसको और इजी बना लेते हैं। तो he told them कंजक्शन लगा के दैट लगाएंगे, कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, और यही देखेंगे इसका भी यू है तो यू का दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, तो होता क्या है यहां पर, दे हैड वॉन ए प्राइज। सब में एक ही सेंटेंस है, समझाने के लिए मैं बदल सकता था, मैं चाहता था कि चीजें एकदम समझ में आए, ए ई है, या आप लिख देता हूं PRIZE, ठीक है प्राइज। उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्या है, चौथा है सी सेड टू हिम यू वॉन ए प्राइज, तो सी सेड टू हिम क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हिम, कंजक्शन की जगह पर कॉमन वर्ड का हटा के दैट लगा दिया, सी सेड टू हिम यू वॉन ए प्राइज, और यू को ही बन जाएगा हिम, तो ही हैड वॉन ए प्राइज। और उसके बाद देखते हैं पांचवा है, सी सेड टू, सॉरी
He said to me, your shirt is nice. तो क्या बनाएंगे? She said to me, she told me that. अब यहां पर फिर योर हो गया, तो योर मतलब आई, तो आई से हो जाएगा पॉसेसिव केस में, आई का हो जाएगा माई, माई शर्ट वाज नाइस, क्योंकि हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से सम फार्मूला के अनुसार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोनाउन संबंधी नियमों को बदलते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।